वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज तो बहुत सुबह सुबह हम लोग उठ गए हैं क्योंकि आज कंजक है। सो बेसिकली कंजक आई थिंक कोविड की वजह से तो शायद कोई आएगा जाएगा नहीं, बट हम लोगों ने 9 जगह पर टिफ़िन एंड जो पेंसिल कलरिंग बुक या जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो हमने 9 जगह पर बना रखी हैं एंड वो हम अपने ड्राइवर को देंगे। तो ड्राइवर जो है वो जा जा के ढूंढ ढूंढ के वो 9 देवियों को आज वो दे देंगे। सो इस तरीके से हम लोग ने आज अपने दिन की शुरुआत की। इट्स आई थिंक 6 राइट, हाँ 6 6 सवा 6 के आसपास का टाइम हो रहा है। जस्ट अभी मैंने अपना कल का व्लॉग अपलोड किया है और इतना सुंदर सनराइज़ हो रहा है। आई डोंट नो, या यहाँ से इस जगह से एक्चुअली आज 4 बजे उठ गए थे। सो बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारा भार इनके ऊपर भी है। हमारे घर में पूजा हो चुकी ऑलरेडी हो चुकी है या बहुत अच्छा लग रहा है यार सुबह उठ के। आई मीन एक अलग ही तरह की फीलिंग है, एक अलग तरह की फ्रेशनेस है एंड हम रोज़ नहीं कर पाते ये। सो इट्स वेरी यूनिक एज वेल। तो चलो या चाय इट्स चढ़ाई हुई सुपर। है। हाँ चलो चलो चलो। ये पापा की चाय अलग निकल गई है, इसमें चीनी नहीं है एंड हमारे लिए चीनी डल के आई थिंक फ्लेम पे चला दो बस। हाँ और क्या। हाय हाय हाय, गर्मा गर्म चाय सुबह सुबह चका चक। बस गर्मा ही है। वेरी गुड, एकदम एग्जैक्ट उतनी चाय बनी है। और जो चाय जो नहीं चाहिए थी वो आपको यहाँ ज़मीन पे दिख ये सब थोड़ा इग्नोर करें, ऐसा होता रहता है, ठीक है ना? तो मैं स्कूल जाने के लिए हमेशा हमेशा बहुत लेज़ी होता था। तो मेरी माँ ना एक बड़े गंदे एकदम मोनोटोन में ना एक गाना गाती थी और आई थिंक ये दोनों अभी ऊपर सो रहे हैं तो हम लोग ऊपर चलते हैं और उनको मैं उसी गाने से उठाऊंगा जिस गाने से लोग मुझे स्कूल के लिए उठाते थे। उठे जाग मुसाफिर भोर, ऐसे कान में घुस के गाती थी मम्मी। अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है स्कूल जाने से पहले ये गाने सुनाती थी मुझे। जो जागत है वो पामू। देखो मुझे पूछना नहीं है, कोई बुरा लग रहा है मुझे। पापा उठ जाग मुसाफिर भोर भाई। देखो मैं ऐसे ही घूम के पड़ा रहता था ये गाना मेरे कान में गाती थी। ये हालत देखो इनकी, और ये पीछे टेक ली हुई है तो पुरानी फिल्मों की जो हीरोइनें होती थी उनकी तरह बाल पफ हो गए अपने आप। पफ के साइड से छोटी सी चुटिया देख लो पफ इतना बड़ा है, चुटिया इतनी छोटी है, मैच नहीं हो रहा है। टाडा, पूरी चना एंड हलवा प्रसाद है भगवती माँ का। तो अब मैं ये खाने वाला हूँ फटाफट। सो मामा एंड आई आर हेडिंग फॉर द मॉल क्योंकि मामा को कुछ कुछ कपड़े खरीदने एंड मुझे ऑक्सिलरी पिन खरीदनी है। मैंने मामा को कहा कि रिलायंस डिजिटल में ऑफर चल रहा है कि आप एक ऑक्सिलरी पिन खरीदिए तो आईफोन मैक्स फ्री परिवार वालों को बांटेंगे, एक एक ऑक्स पिन खरीदेंगे 299 ओनली। पहुंच गए हम लोग मॉल, एज यूजुअल खाली है। अपन लोग शॉपर्स जा सकते हैं, पैंटलून जा सकते हैं, मैक्स जा सकते हैं, ये तीन है यहाँ पर। शॉपर्स पहले देख लेते हैं, सामने दिख रहा है क्योंकि मज़ा नहीं आया शॉपर स्टॉप में और मैक्स में। अब हम जा रहे हैं और लिवाइस देखते हैं। मामा कह रहे कि मुझे वहाँ का कपड़ा पसंद है सो होपफुली कुछ अच्छा मिल जाएगा वहाँ पर। फाइनली पैंटलून्स पे हम लोग का फुल स्टॉप हुआ है। वेरी नाइस चेकर्ड शर्ट, वेरी नाइस कलर एंड ये जैकेट मैंने पसंद की है, वेरी नाइस जैकेट। तो मामा ने ले लिया है एक टी शर्ट, एक जैकेट, दो पेयर सॉक्स, शूज। अब पूरी फाइनल शॉपिंग मैं आराम से घर पे दिखाता हूँ। फिलहाल हम जा रहे हैं बिलिंग काउंटर फिर हम निकलेंगे घर। सो मामा एंड आई हैव कम टू मोची नाउ एंड जूते ही जूते जूते ही जूते, वी आर गोइंग टू लुक्स, बहुत जूते पड़ेंगे हम लोग को। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत शूज़ की शॉपिंग करने, उनको सैंडल टाइप कुछ चाहिए, मे बी एथनिक वेयर के साथ समथिंग, सो वही ढूंढ रहे हैं वो। चलिए मामा बताइए क्या क्या लेकर आए, मम्मी को दिखाइए। ये आप लोगों ने नहीं देखा, ये मामा के शूज़ हैं, इसके साथ हमने दो मैचिंग सॉक्स भी लिए हैं और ये हम लोगों ने ये वाले शूज़ हैं जो कुर्ते और उन सब चीज़ों के साथ एथनिक वेयर के साथ आप पहन सकते हो। ना ने पूछा कि घिया कैसे बनाना है पापा से, तो पापा ने कैसे किया साथ ना? पता नहीं कैसे छोकना है, कैसे जीरा से छोको, हरी मिर्च से छोको, टमाटर डालो, समझ आ रहा था वो कर दिया थी। तो अभी अभी मैंने सफ़रनामा का वेबकास्ट स्टार्ट किया है और आज हमारे गेस्ट जो है वो राहुल बुचर जी हैं और इंटरव्यू जो है वो मैं खुद ले रहा हूँ। सो कल आई थिंक इसका लिंक हम लोग के पास होगा, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तो इसका लिंक बिरजू महाराज परंपरा के पेज पे आप लोग को मिल जाएगा। सो डू गो एंड चेक इट आउट।
चलो जी, सफरनामा हो गया है खत्म. एंड इट वॉज अ फैबुलस इंटरव्यू. राहुल जी ने इतना अच्छा सुंदर बातें की, आई हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन कि उन्होंने क्या क्या बोला था व्हेन ही वाज गिविंग द लाइव इंटरव्यू. प्लस ध्यान भी आपका, एक्चुअली इट्स मोर ऑन द क्वेश्चंस एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उतना याद भी नहीं रहता है. बट इतना अच्छा इंटरव्यू था कि मज़ा ही आ गया. एनीवेज, आर एनी ऑफ यू फीलिंग कि यार खाने का मन नहीं हो रहा है? मतलब घर में चाहे कुछ भी अच्छा भी बन रहा है, बुरा भी बन रहा है, देख के मन नहीं हो रहा खाने का, पता नहीं क्यों. खाना मैं हर शाम को पूछता हूँ, जो भी होता है मुझे बताया जाता है ना, आई एम लाइक ले आओ, पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा खाने का. अंदर से मन इच्छा मर गई है खाने की. आई चेंज माई वर्ड्स, साग हलवा एंड ये बासी रोटी को घी में तल के नमक और मिर्च डाल के, कभी ट्राई नहीं किया तो ट्राई करना, पगला जाओगे खा के. आई जस्ट वॉन्ट टू ईट दिस फूड फटाफट. आ हा हा मज़ा आ गया खा पी के. सो इट्स द एंड ऑफ अनदर डे. सो आई रियली होप यू लाइक द व्लॉग, एंड इफ यू डिड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. एंड एज ऑलवेज, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. हियर गोज ऑफ द लाइक.